एक रात का बसेरा। अब यहाँ से निकलें और घूमते हैं, इस शहर के नज़ारे लेते हैं। ये मेमोरियल आर्ट गैलरी है, आप लैंडस्केपिंग देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से लैंडस्केपिंग की गई इस जगह की।
ये एक और नायाब बिल्डिंग, बहुत ही उम्दा, देखते ही देखते रहने का मन करता है। क्या आर्किटेक्चर है, अद्भुत, बहुत खूबसूरत। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी, उसका एक स्मारक है ये, मजाक कर रहा हूँ। उसमें ऐसा घोड़ा ऐसा नहीं दिखा आपको, जो डेथ, वो जो विलन होता है मेन, उसका घोड़ा कुछ ऐसा लग रहा है मुझे तो। आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या है। आए हैं सबसे शानदार जगह यहाँ की, जॉर्ज ईस्टमैन म्यूज़ियम। जॉर्ज ईस्टमैन वही हैं जिन्होंने कोडक कैमरा की स्थापना की, और कोडक से ईस्टमैन कलर वगैरह हम तो जानते हैं मूवीज़ के बारे में। ये नहीं होते तो हम शायद आज ब्लॉग वगैरह भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। हाँ तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत जगह है हम, जिसे हाईलैंड पार्क कहते हैं। ये पार्क सिटी के चहल पहल से दूर एक ऊंची जगह पे बनाया हुआ है, हरियाली से लबरीज, बहुत ही खूबसूरत,
जहाँ पल भर को बैठने को दिल करता है, अपने विचारों में खोने को दिल करता है, सिटी लाइफ से दूर एक शांति की सुकून की जगह सी है। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये वाटर रिजर्वायर है जो सिटी में वाटर सप्लाई करता है ड्रिंकेबल। तो आप सफाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी सफाई है यहाँ पे, कितना ब्लू वाटर है, चारों तरफ फेंसिंग की गई है, वाटर क्लीनिंग पंप लगा हुआ है जो सिटी में क्लीन वाटर सप्लाई करता है। जीने का हौसला कभी मरने की आरजू, दिन यूं ही धूप छांव में अपने भी कट गए। लंच का टाइम हो गया है, लंच तैयार हो रहा है। लंच में क्या है? भेलपुरी। भेलपुरी का आनंद उठाएं। एप्पल ले लेता।
भेलपूरी इज रेडी। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। थैंक यू। ये एक और नायाब जगह यहीं बगल में कंजर्वेटरी या बॉटनिकल गार्डन, इंडोर प्लांट्स जहाँ रखे जाते हैं। हम आए हैं लैम्बर्टन कंजर्वेटरी। एडमिशन फी है एडल्ट की $3, बच्चों की 2, सीनियर्स की 2, 5 साल से छोटे बच्चों को फ्री, और हाँ नो पेट्स। अरे वाह, छोटे छोटे टर्टल्स, टर्टल्स देखिए आप, इतने छोटे से खूबसूरत से, दुनिया भर के हैं, दुनिया भर के भरे पड़े हैं यहाँ पे, सब झुरमुट में बैठे हैं झुंड में। क्या नया चीज है, कितने खूबसूरत हैं ये छोटे से जीव। गजब है भाई, गजब। अगर आप प्लांट लवर हैं, यू विल लव दिस प्लेस, सो ब्यूटीफुल। दुनिया भर की अलग अलग किस्मों की, मोस्टली ट्रॉपिकल हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं यहाँ पर। कवर्ड जो बिल्डिंग होती है उसे कंजर्वेटरी भी कहते हैं। उस कंजर्वेटरी में ये क्लाइमेट कंट्रोल करके ठंड में भी ये पौधे नहीं मरते, ऐसे ही रहते हैं। एक मिनी जंगल का सा आभास हो रहा है कि आप जंगल में आ गए, और क्या खुशबू है मैं आपको बता नहीं सकता। सारे जैसे ये परिजात का है, ये देखिए गुड़हल, गुड़हल भी कहते हैं अपने यहाँ शायद। खुशबू आ रही है तरह तरह की इन फूलों में से, और अलग ही एहसास है, बहुत ही सुंदर सा। ये सभी डेजर्ट प्लांट्स हैं, कैक्टस, मोस्टली कैक्टस। ये देखिए आप क्या लिखा है,
ख़त्म होता है रोचेस्टर वाला। अब हम वापस रवाना होंगे नियाग्रा फॉल के लिए कैनेडियन साइड, जहाँ से हम आए थे, और फिर से बॉर्डर क्रॉसिंग करनी होगी। इस बार आपको कनाडा का बताएंगे और आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वाला सस्पेंस है, और खैर मेरे लिए भी है। तो देखते हैं क्या रहता है, क्या होता है और कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती है। आपसे शेयर करूंगा बहुत जल्द। थैंक यू।